नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं, जहां उनका दिव्य दरबार सोमवार 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लगने वाला है। इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हनुमंत कथा के आयोजन में बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं के पहुँचने का अनुमान है, जिसे देखते हुए ग्रेटर नोएडा में बनाए गए पांडाल में लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां उनके दिव्य दरबार शुरू होने से पहले ग्रेटर नोएडा की सड़कें भगवा मय हो गई। भारी संख्या में श्रद्धालु खासकर महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। 7 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं की गई हैं। आम लोगों को परेशानी से बचाने की कोशिश चल रही है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर जाम जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रेटर नोएडा में दिव्य दरबार के आयोजन से पहले रविवार 6 जुलाई को एक बड़ी कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने, खास तौर से महिलाओं ने, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करीब 3 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा निकाली गई। वहीं बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार के आयोजन को लेकर तमाम वर्गों में खासा उत्साह देखने को मिला। कलश यात्रा में सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। बड़े बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक का उत्साह देखने को मिला। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार का आयोजन पहली बार हो रहा है। दिल्ली में दिव्य दरबार के आयोजन के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं। यहां 7 दिनों का कार्यक्रम रखा गया है, जहां ग्रेटर नोएडा में रविवार को कलश यात्रा का शुभारंभ सिटी पार्क से हुआ। सिटी पार्क से होते हुए ये यात्रा कथा स्थल तक पहुंची। करीब 3 किलोमीटर लंबी इस कलश यात्रा में ग्रेटर नोएडा और दूर दूर से आई महिलाओं ने हिस्सा लिया। सिर पर कलश और नारियल रखकर जय श्री राम का उद्घोष करते हुए महिलाएं लगातार आगे बढ़ती रही। कलश यात्रा को लेकर पहले से ही पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। वहीं कार्यक्रम को लेकर कई रूटों को भी डायवर्ट किया गया था। सिटी पार्क से होकर सेक्टर अल्फा, सेक्टर डेल्टा और उसके बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास से जैतपुर के पास शुरू होने वाली श्रीमद् भागवत कथा के स्थल पर ये कलश यात्रा पहुंची। मेट्रो डिपो स्टेशन के पीछे सेक्टर ओमिक्रॉन 3 के पास खाली स्थान पर अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट की देखरेख में पंडित आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर महाराज की श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन हो रहा है। इसको देखते हुए पुलिस ने 9 से 16 जुलाई तक का ट्रैफिक प्लान जारी किया है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर के अनुसार 130 मीटर रोड पर डिपो मेट्रो स्टेशन गोल चक्कर से सुपरटेक सोसाइटी गोल चक्कर तक यातायात का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। कार्यक्रम स्थल के आसपास के गांव और सोसाइटी के रहने वाले लोग अपनी आईडी साथ रखें। डायवर्जन स्थानों पर ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को दिखाकर इस पास के जरिए वो अपने घरों की तरफ जा सकेंगे। तो देखा आपने, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को देखने की उत्सुकता लोगों में कितनी है। बाबा के स्वागत के लिए पूरी सड़कें भगवामय हो गई हैं। दूर दूर से लोग बाबा के दिव्य दरबार के लिए आ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।